हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, सो ये ऑर्गेनिक का हमारा पहला चैप्टर है और ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 10th नंबर का हमारे NCERT में चैप्टर है। और अगर आप इसमें एक मशीन गन है जिसमें रिएक्शंस ही रिएक्शंस भरे हुए हैं, तो इस चैप्टर में बहुत ही सारे रिएक्शंस होने वाले हैं। सो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, रिएक्शंस को नोट डाउन करते रहिए और बाद में भी आप इस वीडियो को प्ले करके इसमें से रिकॉर्डेड में से आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का, H2 एटम का जो रिप्लेसमेंट होता है एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हेलोजन एटम्स की वजह से, जिससे हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड, जो कि है हमारा एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन और एराइल हैलाइड मींस हेलो एरीन। ओके, सो हेलो एल्केन्स जो होते हैं उनमें जो हेलोजन एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, वैसे ही हेलो एरीन्स में जो हेलोजन कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो होते हैं बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें नेचर में से मिलते हैं वो क्लिनिकली यूजफुल भी होते हैं। वो एप्लीकेशन या फिर इंडस्ट्री में हम उसको बाय एक्सपेरिमेंटली हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं और वो डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। ओके, और कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन होता है, वो एंटीबायोटिक्स में यूज होता है। क्लोरामफेनिकॉल जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस होता है और वो बहुत ही इफेक्टिव होता है फॉर द टाइफॉइड के लिए वो इफेक्टिव होता है। हमारी जो बॉडी होती है ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमारी बॉडी है वो आयोडीन प्रोड्यूस करती है। ओके, उसका आयोडीन प्रोड्यूस करने वाला एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, लिख देते हैं थायरोक्सिन। ये बेसिक थियोरी है, हमें MCQ में प्रोबेबली आ सकती है। ओके, जिसकी डेफिशिएंसी हो थायरोक्सिन की, हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो हमें एक डिजीज होता है जिसका नाम है गोइटर। ओके, और गला फूल जाता है। ओके, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स जैसे कि क्लोरोक्वीन वो यूज़ होता है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए लिख देते हैं क्लोरोक्वीन वो यूज़ होता है मलेरिया के लिए। ओके, वो यूज़ होता है मलेरिया के लिए। और जो हेलोथेन होता है वो एनेस्थेटिक सर्जरी के टाइम पे जो एनेस्थेटिक दिया जाता है उसके लिए यूज होता है। ओके, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन कौन कौन से सब टाइप्स, कौन कौन से बेसिक सब टाइप्स में आता है। सो हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके, ये हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे कि जो मोनो डाई या फिर ट्राई
डाई रह गया बीच में, हेलोजन जो होते हैं या फिर पॉली हेलोजन, एक होता है मोनो, दो होता है डाई, तीन होता है ट्राई, उससे ज्यादा होते हैं तो वो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स माने जाते हैं। हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि C2H5X CH2X-CH2X, नेक्स्ट है CH2X-CH2X-CH2X, ओके। और बीच में और लिख लेते हैं, पहले इसके आंसर्स लिख देते हैं, क्योंकि ये है मोनो हेलो अल्केन, ये है हमारा डाई हेलो अल्केन, ये है हमारा ट्राई हेलो अल्केन, सॉरी अल्केन। नेक्स्ट हो रहा है पेज, अल्केन आप समझ गए, ओके। अब हम और तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं, पहले इस सब चीज को रब कर देते हैं, स्पेस नहीं है ना, ओके, क्लियर। अब हमारे पास आता है एक ये बेंजीन, अज्यूम बेंजीन है ये, प्लीज नो ऑफेंस, ओके ये परफेक्ट हुआ। बेंजीन के ऊपर एक्स, ओके, और ये है एक्स। सो फर्स्ट वाला है हमारा मोनो, ये नहीं दिखेगा आपको, सॉरी, लाइट कलर लेते हैं, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ये दो है, दो हेलोजन है इसलिए डाई, ओके, ये एक है इसलिए मोनो, और यहाँ पे 1, 2, 3 ट्राई हेलो एरीन, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, ओके। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें जो हेलोजन एटम जो होता है वो बॉन्ड होता है एल्काइल ग्रुप से, मींस के आर ग्रुप से वो अटैच्ड होता है, और वो होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंट करता है, वो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है, जिसका फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फॉर्मूला इसका बेसिक फॉर्मूला है CnCnH2n+1X, ओके, CnH2n+1X, ये हमें कभी भी नहीं भूलना है, आधी रात को झपट मार के आपको उठाया जाएगा और आपको ये याद होना चाहिए, ओके। ये मस्ती कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं करेगा शायद, ओके। और वो आगे क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी टर्शरी एंड सेकेंडरी, हम एक बार लिख लेते हैं इनको लाइट कलर्स लेके, ओके, C R-H H, ये कुछ नहीं है, X, इसको इरेज ही कर देते हैं कन्फ्यूजन्स नहीं हो, फिर है CH X R, या फिर R- आपको जो लिखना हो R, ओके, और यहाँ पे आता है CRRHR, ओके, या फिर माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी फॉर दैट, एक्स तो रहेगा, यहाँ आर हो जाएगा, ओके। कार्बन अटैच टू कार्बन, कार्बन अटैच टू टू हाइड्रोजन एंड वन हेलोजन,
this is 1 degree primary carbon attached to 1 hydrogen 2 halogens 2 degree secondary carbon attached to 0 hydrogen atoms 3 halogen atoms then it is tertiary आई होप ये स्पेलिंग राइट ही है ओके ये हुआ हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड नेक्स्ट अप कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड इसमें दो कैटेगरीज होती है सबसे पहला हमारा आता है विनिलिक हैलाइड्स दूसरा हमारा आता है एराइल हैलाइड्स ओके इसमें जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ओके और इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम जैसे कि कोई भी कंपाउंड है उसके पीछे ऐसे एक्स लगा होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और या फिर बेंजीन के ऊपर एक्स ये है हमारा विनिलिक हैलाइड्स अब हम बात करते हैं एराइल हैलाइड्स के बारे में जिसका एग्जांपल है ये एक्स या फिर एक्स CH3 ऐसा होगा और ये जो कंपाउंड्स होंगे हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एरोमेटिक रिंग में आई होप कि आपको क्लियर हो गया है हमारा ये क्लासिफिकेशन होता है खत्म अब हम एंट्री ले रहे हैं नोमेनक्लेचर में हम एंट्री ले रहे हैं बेसिकली नोमेनक्लेचर मतलब क्या नामकरण जैसे कि कोई बेबी होता है उसका नेम दिया जाता है वैसे ही कोई कंपाउंड है जिसका हमें दो नाम देने हैं एक नाम होगा उसका IUPAC नेम एक है उसका IUPAC नेम और दूसरा होगा उसका कॉमन नेम फॉर एग्जाम्पल आपका नाम कुछ भी है आपका नाम फॉर एग्जाम्पल राजेश है ओके और आपको घर पे चिंटू बुला रहे हैं तो राजेश जो है वो आपका IUPAC नेम है और जो चिंटू है वो आपका कॉमन नेम है ये सब आपको बाहर बुलाते हैं और ये सब आपको घर पे बुलाते हैं सेंस बन रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ विजन क्लीन हो रहा है आपका इमेजिन कीजिए ओके सो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखते रहेंगे फर्स्ट है हमारा CH3 CH2 CH2 Br पहले ये लिख लेते हैं हम CH3 CH CH3 Cl फिर है हमारा CH3 CH CH2 Cl सॉरी यहाँ पे L लिखना है सिर्फ डन और यहाँ पे है CH3 नेक्स्ट अप बेंजीन यहाँ पे Br क्लियर हो रहा है आपको याद कीजिए ट्राई कीजिए ओके Br 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 ओके अब इसके हम नाम लिख लेते हैं तो सबसे पहले इसका नाम इसका कॉमन नेम है N propyl bromide ये जो ब्लू होगा वो इसका कॉमन नेम होगा और ये येलो है वो उसका IUPAC नेम है इसका IUPAC नेम क्या होता है 1 पे ब्रोमो
propane. One pe bromo, propane. Okay. और सेकंड वाला जो है उसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. आइसोप्रोपाइल, आइसो क्योंकि ये नीचे है क्लोरीन और ये प्रोपेन. ओके, आइसोप्रोपेन क्लोराइड यहाँ लिख लेते हैं. आइसोप्रोपेन क्लोराइड, आइसोप्रोपेन क्लोराइड उसका कॉमन नेम है टू, सॉरी ये उसका कॉमन नेम है और ये उसका आईयूपीएसी नेम है, टू क्लोरो प्रोपेन. थोड़ा मैस हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सब क्लीन अप करने का. एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, बाद में फिर से लिख देंगे इसको, थोड़ा मैस कम हो इसलिए. और ये जो है, ये दीवार खड़ी कर देते हैं. ये जो है इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड. और इसका आयुपैक नेम है वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन. अब ये बेंजीन वालों को पकड़ते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा फर्स्ट वाले का कॉमन नेम, ब्रोमो बेंजीन. इसका आयुपैक नेम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, सेम है बेंजीन. ओके, अब इसका क्या होगा, इसका मेटा पे ब्रोमो डाय ब्रोमो बेंजीन, डाय ब्रोमो बेंजीन. इसका आयुपैक नेम क्या है, इसका आयुपैक नेम है, इसका आयुपैक नेम है वन थ्री, वन पे टू नहीं थ्री पे डाय ब्रोमो बेंजीन, डाय ब्रोमो बेंजीन. विजन क्लीन हो रहा है, क्लिक हो रहा है, सबको इजी है. सिर्फ याद रखना है हमें कि क्या कैसे किस तरह फॉर्म अप बिल्डअप हो रहा है. आई होप कि आप सबको क्लीन हो रहा है, समझ में आ रहा है. इसको रब कर देते हैं, और दो तीन एग्जांपल्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. चलिए ये अब क्लीन हो चुका है, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने नहीं लिया था. Br ओके, Br Br इसका कॉमन नेम है सिमेट्रिक ट्राइब्रोमो बेंजीन. इसको हम, इसके बदले हम इसको ये लिखेंगे. ये मेटा है, ये भी मेटा है. ओके, तो इसको हम लिखेंगे मेटा ही है प्रोबेबली, मेटा ट्राइब्रोमो, मेटा मेटा ट्राइब्रोमो बेंजीन. ओके, सो अब एक और कंपाउंड ले, एक दो और कंपाउंड ले लेते हैं. नॉर्मल है, देख लेते हैं, यहाँ यहीं देख लेते हैं. CH3, CH2Cl, CH3 इसका नाम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, क्लीन कर लेते हैं. वन क्लोरो, वन पे क्लोरो, ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है, वन टू थ्री. या फिर यहाँ से भी आप ले सकते हैं, वन पे क्लोरो, ये वन पे क्लोरो, वन टू 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 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हमें मिल गया. अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे, अब दूसरे और तीन चार कंपाउंड्स ले सकते हैं,
ओके और आपको ये टेबल, ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है इस चैप्टर की एग्ज़ाम को देने से पहले, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक कंपाउंड्स हैं आपको याद रखने हैं। इसके कॉमन नेम आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, आयुपैक नेम भी आ सकते हैं। आपको ऐसा आएगा कि फॉर एग्जांपल CH3CH2CH(CL)CH3, इसका कॉमन नेम है ब्यूटाइल क्लोराइड, बट इसका आयुपैक नेम है 2-chlorobutane। ये दोनों ऑप्शन और तीसरा कोई गलत ऑप्शन होगा और चौथा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, तो उसमें हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये टेबल आप ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अब बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसमें जो हेलोजन एटम्स होते हैं, मैं नेक्स्ट पे दिया है, यस दिया गया है। सो हेलोजन एटम्स होते हैं वो हेलोजन एटम्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। सो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है CX बॉन्ड, वो एल्काइल हेलाइड में पोलराइज्ड होता है। ओके सो जो कार्बन एटम जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, मींस के प्लस डेल्टा, और इसके ऊपर होता है माइनस डेल्टा। ओके ये नेगेटिव चार्ज होता है एक्स जो है हेलोजन जो है। सो हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम नीचे जाएंगे तो हेलोजन एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। ओके सो फ्लोरीन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट है और आयोडीन एटम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ओके सो कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इवेंचुअली इंक्रीज होने वाला है जब हम जाएंगे CF से CI तक। और जो बस यही है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। और आपके सामने ये एक और टेबल आया गया है, इसको भी आपको याद रखना है जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़ की कहीं पे आना जाए, वैसे तो नहीं आएगा फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। तो हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। और अब हम आते हैं इस वीडियो के एंड पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हेलो एल्केन और हेलो एरिन का हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक्स देखे हैं इस चैप्टर के। इसके बाद 11, 12, 13 और 14 भी वो सब के सब हमारे होने वाले हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर्स। तो ऑर्गेनिक आसान नहीं होता, उसमें प्रैक्टिस बहुत लगता है, तो आप एक बार कुछ ना कुछ कंपाउंड्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी उसके कॉमन नेम उसके आयुपैक नेम आपको याद रखने होंगे। और आगे ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आने वाले हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस मैकेनिज्म्स ये सब का सब आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर मैं एक लाइक एम रखूंगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है इस चैनल पे, 20 to 25 रखते हैं राउंड फिगर, देखते हैं आपका सपोर्ट कैसा रहता है। 20 लाइक्स का मैंने लाइक एम रखा है। आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारी ये जो चैनल का कंटेंट है, प्लेलिस्ट है, राउंड अबाउट हमने 37 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और हमारे अभी हो चुके हैं 123 सब्सक्राइबर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपने हमारे साथ ये जर्नी कंटिन्यू की, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में HAHA की। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।